इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए और x-अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हमने समीकरण इस ग्राफ में ड्रॉ करने हैं। पहला समीकरण हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पहले पॉइंट्स लिखने होते हैं और उसके लिए एक छोटी सी टेबल बनाएंगे हम। यहाँ पे x, y, अगर x 0 है तो y क्या होगा? देखो ये 0 हो गया तो माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा और y 1 हो जाएगा, और जब y 0 है तो x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 उस तरफ जाएगा माइनस में आ जाएगा। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम एक टेबल बनाएंगे, जब x 0 है तो 2y माइनस 12 बराबर 0, 2y 12 और y आ गया 6, x 0 y 6 है, और जब y 0 है तो ये 0 हो जाएगा तो 3x बराबर 12 और x बराबर 4 आ जाएगा। तो जब y 0 है तो x 4 है, बेसिकली ये पॉइंट्स निकल गए हैं और हम आराम से लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, x 0 y 1, x 0 यहां होता है, y 1 ये है और y 0 x माइनस 1 वो ये है, इनको मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ऐसे जाएगी, तो ये पॉइंट है 0.1 और ये माइनस 1.0 और ये है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे x 0 y 6, x 0 y 6 यहाँ पे है, x 4 y 0 वो ये पॉइंट है, तो इनको ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अगेन आपको ये पेंसिल से करना है क्योंकि अब मैं पेंसिल से लेकर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे, बट आपको पेंसिल का यूज़ करना है। और ये हो गया 4.0 और ये इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये जो रेखाएं हैं ये इस बिंदु पर कट रही हैं और आप आराम से देख सकते हैं कि ये जो बिंदु है इसको हम नाम दे देते हैं P, और इस पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं और ये है x यहाँ पे 2 है और y यहाँ पे 3 है, और उसके अलावा इसको नाम दे देते हैं Q और इसको नाम दे देते हैं R। तो एक ये त्रिभुज बन रहा है, यानी ये x एक्सिस है और ये दोनों रेखाएं हैं, इनसे ये त्रिभुज बन रहा है। तो हमको लिखने हैं त्रिभुज पी क्यू आर के शीट्स। तो क्या क्या है, तो P है 2.3, Q है माइनस 1.0 और R है 4.0। और अब इसके बाद ये जो त्रिभुज है इसको छायांकित करना है, ठीक है। तो छायांकित करने के लिए आप जानते हैं ऐसा शेडो करना है हमें, तो ये करते हैं छायांकित। ये हो गया है। ऑलराइट, वेल,
तो ये था हमारा सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।